दोस्तों इंट्राडे टेक मुंबई में आपका कोटि कोटि बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज तो आप लोग बहुत खुश होंगे, निफ्टी 50 निफ्टी बैंक जानते कितना है? सभी लोग जानते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, अभी तो शुरुआत है। दोस्तों देखिए कल भी गिरा, आज भी गिरा, और गिरना था तो इकट्ठे, लेकिन कहावत है कि अगर इकट्ठे अगर दर धीरे 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 इकट्ठे हो जाएगा तो अचानक कहेंगे, लोग कहेंगे क्रैश हो गया। क्रैश हो गया तो बहुत सारे मीडिया में न्यूज आने लगेगी, ये कंपनी वो कंपनी। जैसे कि आपको अडानी में पता होगा हिंडनबर्ग की जो न्यूज आई थी, इकट्ठे गिरना शुरू हो गया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ 20% 20% 10%। तो उसी तरह स्टॉक मार्केट भी 100% गिरना ही गिरना है, और गिरेगा नहीं तो फिर उठेगा कैसे दोस्तों? ये तो आप जान लीजिए, एक ही मंत्र जान लीजिए, और मंत्र हमेशा जीवन भर याद करिए। अगर ग्राफ देखिए, ये उठा, अरे पहाड़ी नहीं बनेगा तो फिर स्टॉक मार्केट का नाम जगत में हंसा जाएगा दोस्तों। मसूरी जानते हैं? मसूरी क्वीन माउंटेन ऑफ मसूरी बोलते हैं, थोड़ा मेरा लैंग्वेज हो जाता है। मसूरी इज क्वीन ऑफ माउंटेन बोलते हैं उसको, पहाड़ों की रानी मसूरी बोलते हैं दोस्तों। और वहाँ देखते हैं पहाड़ी, एक चीज़ आप देखेंगे दोस्तों, कहीं भी मसूरी चले जाइए और तमिलनाडु में ऊटी चले जाइए, हम तो सभी लोग जानते हैं, सभी कोई जगह बाकी नहीं है। तो जो माउंटेन बनता है वहाँ पे, पूरे इंडिया नहीं, पूरे एशिया में नहीं, पूरे विश्व में की बात करता हूँ दोस्तों, मसूरी एक ऐसा जगह है, उसकी खासियत मैं बता रहा हूँ। आप जिस माउंटेन पे, जिस पहाड़ी पे जाएंगे, वहाँ से फिर वैसे ही दिखेगा। फिर आप उधर कैंटी फॉल गए, नी मसूरी झील के गए, महात्मा गांधी लाइब्रेरी गए, ये सब शाइनिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। तो वहाँ जब जाएंगे तो पता चला कि अरे फिर ये चारों तरफ से आपको पहाड़ों ने घेर कर रखेगा दोस्तों। और जो कभी कभी फ़ोटो में देखेंगे कि वो माउंटेन जो बना रहता है, ज़्यादातर मसूरी के रहता है दोस्तों, और इतनी सुंदर प्रकृति ने बनाया है। उसी तरह आप कश्मीर चले जाइए तो वहाँ पे वो चीड़ का पेड़ रहता है लंबे लंबे। उसी तरह शिमला चले जाइए आप, मनाली चले जाइए, सेब के बागान मिलेंगे आपको। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सब बातें कि कैंडल चार्ट और जो डाटा बनता है, आप देखेंगे कि जब भी लगातार, ये सिंपल भाषा में, कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको चार्ट डाटा ढूंढने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, आपको इतना सरल और सटीक भाषा में कोई बताएगा नहीं। और ये 100% यही होता है सही हम लोग को, इसलिए कि अब वो आपका समय नहीं है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पढ़िए लिखिए, एक समय होता है कि पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट रहेगा चलो, लेकिन फिर भी पढ़ाई लिखाई सीखने का कोई उम्र नहीं होता दोस्तों। शेयर बाज़ार में क्यों, अभी आप लोग बस यही सोच रहे होंगे कि सर जल्दी से बता दें कल कौन सा खरीदना है कौन सा बेचना है, और ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है दोस्तों। सिर्फ ये ले लो वो ले लो ये ले लो वो ले लो, तो ये काम जो है अच्छा नहीं लगता। बहुत कर लिए, हम भी करते थे, ये ले लो वो ले लो, लेकिन अब मेरा दिल से इच्छा है, और आज मैं आया हूँ इसलिए 15 जून से मैं आप लोगों को बहुत बड़ा एक खुशखबरी देने वाला हूँ। 15 जून से मैं शुरू कर रहा हूँ ऑप्शन चैन और ऑप्शन पुट कॉल ऑनलाइन ट्रेडिंग, 9:15 से 3:15 में डायरेक्ट लाइव आपको दिखाएंगे कैसे ऑप्शन और फ्यूचर बाई
ट्रेड करते हैं, क्या लेवल होता है, कैसे पकड़ते हैं, और आप रोज़ तो नहीं कर पाएंगे, महीने में 20 दिन ट्रेडिंग और होता है, 5 दिन आपको, और ये उनके लिए है जो ज्वाइन किए हुए हैं, और जो ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्तों उनके लिए हम एक दिन जरूर आएंगे, महीने में एक दिन, वो डेट बता देंगे, डेट फिक्स अभी टाइम है, जून शुरू होने दीजिए, 1 जून को मैं अनाउंस करूँगा कि किनको किनको किस टाइम में, आप सभी को, ऐसा नहीं है कि हम भी टाइम देते हैं दोस्तों, इसलिए कि इतना वीडियो हमें नहीं लगता है कि कोई बनाता हो यूट्यूब, और मेरा मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा और समय लेंगे दोस्तों, क्यों हम ज़्यादा वीडियो बनाते हैं इसके पीछे बहुत लोग कमेंट किए दोस्तों, तो आप लोग सुन लीजिए आज मेरे इस सोच के पीछे, इतना वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ, आप खुद कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं। सपोज डेट आपको अपनी लड़की का, अपनी बहन का या बेटी का शादी करना, मान लीजिए, या मेरी बहन का या मेरी लड़की का शादी करना, मान लीजिए हम 100 लड़का ढूंढेंगे, 100 लड़के को देखेंगे, उसमें से अच्छा चूज कर सकते हैं कि 10 लड़के देखेंगे उसमें से, लाइक कर दीजिए इस बात को, 100 लड़के देखेंगे तो उस ज़्यादा रहेंगे तो हमको चुनाव करने में अच्छा रहेगा कि 10 लड़के हैं अब 10 में चुनाव करना है, समझ गए मेरी बात, इसीलिए ज़्यादा वीडियो रहेगा, अगर 100 वीडियो, अगर महीना में मान लीजिए कि 100 वीडियो, मान लीजिए 100 वीडियो क्या लगभग 350, पहले तो 600 वीडियो बनाते थे, अभी 300 के आसपास है, अगर 300 वीडियो में हम, मेरा यही मकसद है कि 3 वीडियो भी अगर आपको काम आ गया दोस्त तो मेरा वीडियो बनाना, भले हम कठिन परिश्रम मेहनत करें लेकिन आपको कुछ मिल जाए, अगर हम रोज़ 2-3 वीडियो 5 वीडियो बनाए तो सिर्फ आप वही ध्यान में रहेंगे और वही सुनेंगे कि कब ये बोल रहा है कि ये स्टॉक ले लो, कब बोल रहा है ये बेच दो, और इसी में आपकी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं स्टॉक मार्केट में दोस्त। ये हम काम करने के लिए स्टॉक मार्केट में नहीं आए, ये पहले से आपको मैं बता दूँ, अगर मेरी बात सही है तो मुझे ही मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है, नहीं भी कुछ समझते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है कमेंट करने की, लाइक करने की, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ मुझे अपने आप पर विश्वास है कि आने वाला समय आप ज़रूर कहेंगे देर है, अंधेर नहीं है, ये चैनल से हमको क्या मिला, और दूसरे की बात हम इसलिए नहीं करते हैं, हाँ दूसरे की बात उनकी करते हैं जो नए लोगों को स्टॉक मार्केट में नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो कंपनी हो, ऑपरेटर हो, या यूट्यूबर हो, या दो गिद्ध हो, या दो गिद्धों के आसपास 10 कंदर हो, 10 सिर वाले, उनको तो मैं नहीं करूँगा, ये मैं करते रहूँगा। चलिए तो कल की बात शुरू हो गई, चलिए जी आपकी बात तो हो गई, शुरू हो जाइए कल का स्टॉक मार्केट दोस्तों। कल क्या है? वीकली एक्सपायरी, और वीकली एक्सपायरी होने जा रहा है निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 का, भारी गिरावट के साथ नीचे जाएगा कितना, ये आप जरूर वीडियो देखिए, आज का वीडियो 8 बजे आएगा, क्योंकि हम 8 बजे आज शाम को डालेंगे और कल 7 बजे सुबह 2 वीडियो आएगा, 100% प्रिडिक्शंस ऑफ निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।